गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि जब से शराब दुकानों के अहाते बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है, तब से कमलनाथ इस फैसले से आहत हैं। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पैरों से कुचले हुए गुलाब को जनजाति भाइयों के माथे पर लगाकर उनका अपमान किया है। शिवराज सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट बता दिया। कमलनाथ के इस बयान पर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब के आहाते बंद करने का निर्णय लिया है, तब से कमलनाथ आहत हो रहे हैं। वो जनता का बजट, जिसमें माता बहने सभी का ख्याल रखा गया, उसको सत्यानाशी बता रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से माननीय शिवराज सिंह जी ने आहाते बंद किए ना, तब से कमलनाथ जी बहुत आहत है, विचलित है। और इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सबसे ज्यादा अपनी माता बहन जो है उनको सामने, उनके हितों को सामने रख करके ये बजट लाया गया है। और कमलनाथ जी अगर सत्यावासी या धोखे का बजट कहते हैं। कांग्रेस ने गुलाब के फूलों से गुलाल बनाया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही जनजाति भाइयों के विरुद्ध रही है। ये सोच उनकी गुलाब के फूल से गुलाल बनाने के रूप में सामने आ गई। कांग्रेस ने पैरों से कुचले हुए गुलाब को जनजाति भाइयों के माथे पर लगाकर उनका अपमान किया है। आपको बता दें कि गुलाब के फूल प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रायपुर में बिछाए गए थे, जिनका गुलाल बनाया गया और वो गुलाल माथे पर लगाया गया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने तीखी टिप्पणी की। जो गुलाब पैरों से कुचले गए हों, वो जनजाति भाइयों के में गुलाल बना के माथे पे लगाया जाए, मैं तो इनका अपमान मानता हूँ। हमेशा से कांग्रेस की सोच ही आदिवासी भाइयों के प्रति, जनजाति के प्रति इसी तरह की रही है। अब वो गुलाल के रूप में सामने आ रही है, कभी गुलाब के रूप में। अरे भाई, कोई भगवान के चरणों से थोड़ी गुलाब आया है, वो इंसान के चरणों का है। उसे आप भगवान बना के माथे पे लगाने के लिए आदिवासी भाइयों को नीचा दिखाने की एक कोशिश है, ये आपकी मानसिकता है कांग्रेस की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।